वन ईयर का बाइबल रीडिंग प्लान, वन ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, फर्स्ट कोरिंथियंस वन चैप्टर, साम्स 104, 105, 106। एक साल का बाइबल रीडिंग प्लान हम पढ़ेंगे। पहला कोरिंथियों की पत्री, पहला अध्याय, भजन संहिता 104, 105, 106 अध्याय। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा परमेश्वर आपके पवित्र नाम के लिए जो आपने परमेश्वर हमारे जीवन में भर दिया है। आपने परमेश्वर पिता अपनी योजना हमारे जीवन में रखी है, जिसको तो चाहता है कि हमने उसे पूरा करना है, लेकिन हमें मार्गदर्शन की ज़रूरत है खुदा। हमें पिता परमेश्वर आगे देखने वाली आँखों की ज़रूरत है खुदा परमेश्वर। हमारे अंदर अटल विश्वास आने की ज़रूरत है खुदा। तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है, तेरा वचन कहता है। तेरे अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर पिता हम ये प्राप्त कर सकते हैं। इस विश्वास से खुदा आज वचन पढ़ते वक्त परमेश्वर तेरा आत्मा हम सबके अंदर काम करे खुदा। खुदा जो परमेश्वर इस बाइबल रीडिंग में शामिल नहीं है लेकिन मसीह है खुदा, और भटक गए हैं और समझ नहीं पा रहे कौन सा रास्ता पकड़ना है, कोई मार्गदर्शन उनको नहीं मिल रही है, आबा उनके लिए हम बीच वाई में, हम गैप में आते हैं, और पिता हम उनके लिए मध्यस्थी होकर प्रार्थना करते हैं हमारा बाइबल रीडिंग करना। हम परमेश्वर पिता जिस मकसद से इस बाइबल रीडिंग को कर रहे हैं, वो अनुग्रह उनके ऊपर भी आ जाए खुदा, और वो अपने अंदर से पिता परमेश्वर तेरी ओर बढ़ना शुरू करें। उनकी आंखें अपने अंदर से पिता परमेश्वर वो खुलता हुआ देख सके, और पिता आपकी मार्गदर्शा जो है खुदा वो पहचानना सीखे खुदा। खुदा ये उनके लिए खुदा परमेश्वर एक परमेश्वर तेरी ओर से ये गिफ्ट होने दे खुदा परमेश्वर, तेरी ओर से तेरा प्यार उनके ऊपर जताना हो जाने दे खुदा। खुदा हम तुझसे विनती करते हैं कि उनके ऊपर परमेश्वर ये ऐसा अनुग्रह आता हुआ देखकर हमें आनंदित होने दे, हमें उस सेलिब्रेशन को करने दे खुदा, कि उनके जीवन की ये भटकती अवस्था जो अनसेटिस्फैक्शन से खुदा परमेश्वर जिसके अंदर पिता उनको तृप्त होना नहीं आ रहा है, अबा फादर गॉड वो सब कुछ पिता जो वांटिंग है खुदा परमेश्वर, जो हर समय पिता नीडी है, हर समय कंगाल है, हर समय पिता परमेश्वर दुख और दर्द में कुचला हुआ है, आज पिता उनके लिए हम मध्यस्थी में आकर ये प्रार्थना को पिता मांगते हैं कि आज जो इस वचन के अंदर हमने परमेश्वर अपने मन को लगाया है वही अनुग्रह परमेश्वर पिता उनके ऊपर रिलीज हो जाए खुदा। चाहे वो वचन ना भी पढ़े तो भी पिता परमेश्वर उनके ऊपर ये अनुग्रह जाए, और उनके ऊपर वो अनुग्रह रुका रहे, ठहरा रहे और अपना काम पूरा करे, और उनके जीवन को पिता उस मंजिल तक पहुंचाए जिसमें उनको होना चाहिए। तेरे ओर से जो मंजिल है खुदा, जो सेटिस्फैक्शन की मंजिल है, जो फुलनेस ऑफ क्राइस्ट की मंजिल है, जो पीस की मंजिल है, शांति की मंजिल है, जो परमेश्वर पिता कोई भी पिता उनको तेरे अगापे प्रेम से अलग नहीं कर सकता है, ऐसी जो मंजिल है जो अंदरूनी आँखों से परमेश्वर के आत्मा की आँखों से देख पाए, इस प्रकार का जो मार्गदर्शन पहचान पाए, इस प्रकार का जो परमेश्वर जीवन है उनको वो प्राप्त हो जाए, होता जाए, वो मंजिल तक, उस मंजिल तक पहुँचते जाए। ये बाइबल रीडिंग पिता परमेश्वर उनके लिए लाभदायी बना खुदा परमेश्वर, उनके लिए पिता परमेश्वर अनुग्रह से भरने वाला ये बाइबल रीडिंग होने दे। अब फादर गॉड हमारी सारी अवस्था की तू चिंता करता है, हमारे सारे अवस्था में तू अपने आप को लेकर आता है और उन सारे अवस्थाओं को व्यवस्थित करता है, ऑर्डरलीनेस में फिट करता है और फिक्स करता है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हम कहीं टूटे फूटे नहीं रहते हैं, कहीं पर भी परमेश्वर हम भटकते या हम कोई भी प्रकार से पिता दुष्ट के किसी भी चंगुल में बैठकर अपने समय को पिता परमेश्वर व्यर्थ करने वाले या हमारा जीवन
मार्गदर्शन न मिलने से भटकते रहने का ऐसा अवसर पिता तू हम पर नहीं रखता है। हमें जल्दी से तो उठा लेता है, तू कहता है धर्मी 7 बार उठा लिया जाएगा, लेकिन जब दुष्ट गिरता है तो 1 बार गिरता है और हमेशा के लिए वो गिर जाता है। अब फादर गॉड, दुष्ट के लिए कोई आशा नहीं है उठने की, लेकिन धर्मियों के लिए है। इसके लिए हम तुझसे विनती करते हैं पिता। जो भी पिता परमेश्वर आज वचन की खातिर पिता परमेश्वर कमज़ोर अवस्था में पहुंच चुके हैं, क्योंकि वचन उनके अंदर भरा हुआ नहीं है। सच्चाई आज़ाद करती है, लेकिन वो सच्चाई उनको अभी तक मिली नहीं है जिसके द्वारा आज़ादी आती है। अब हम तुझसे विनती करते हैं नासरी यीशु के नाम से, उन तक ये वचन आज परमेश्वर अद्भुत रीति से उनके जीवन में फिट एंड फिक्स करने का काम करे। अब फादर गॉड, उनके आत्मिक जीवन के अंदर आज बहुत बड़ा बदलाव देखने के लिए हम तुझसे विनती करते हैं। अब हम मांगते हैं खुदा परमेश्वर, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करने के लिए है। हम इसीलिए मांगते हैं क्योंकि तेरा अनुग्रह तूने अपनी ओर से बढ़ाया है हम पर, इसके लिए हम मांगते हैं खुदा। अबा, ये प्रार्थना तूने पूरी हमारे जीवन में कर दी है और पूर्ण रूप से पवित्र आत्मा तू हमारे अंदर शामिल है, पूर्ण रूप से तू हमें अपने साथ लेकर चल रहा है। इस वचन के पढ़ने में परमेश्वर की सहायता हमें मिल रही है, उसका अनुग्रह हमें मिल रहा है। हमारे बंद पड़े हुए सारे अवस्थाओं को परमेश्वर खोल के हमारा इस्तेमाल कर रहा है। हमारे जीवन में वो चाहता है, उस डेस्टिनी में वो हमें फिट एंड फिक्स कर रहा है। हमारा जीवन सबसे अच्छा और सबसे उत्तम, कभी भी हल्का फुल्का या कोई प्रकार का हमें गिरा देने वाला मकसद हम पर नहीं रखता है। वो हर प्रकार से परमेश्वर की मजबूत मनोकामनाएं हमारे अंदर इस वचन से आती है। हमारे फैसले बदल जाते हैं, हमारा चुनाव बदल जाता है, हमारी बातचीत बदल जाती है, हमारी भाषाएं बदल जाती है, हम परमेश्वर के समानता में उतर कर आ जाते हैं, हम ढल जाते हैं, हम सर्वशक्तिमान चाहता है उस प्रकार से हम ढल जाते हैं, हम सब कुछ में ढल जाते हैं, अपने स्वभाव में, अपने गुणों में, अपने मनोकामना में, अपने मनोवृत्ति में, मनोदशा में हम ढल जाते हैं, अपनी इच्छाओं में हम ढल जाते हैं, सब कुछ ढल जाता है जैसा परमेश्वर चाहता है, उस आकार में हम ढल जाते हैं। पिता, हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं कि हमारा सारा बोझ प्रभु यीशु मसीह ने उठाया और हम सिर्फ उसको आज्ञा पालन करने के कारण सब कुछ में ढल कर उसके समान बन जाते हैं। थैंक यू फादर गॉड, धन्यवाद करते हैं आबा फादर, वी थैंक यू जीसस। रिबांत आश कर बखेती लरबहा अखासे है कतकिन बिरी खोल रहा खासा कि बहुल लरहा अखासे है कतकिन बिरी खेल रबहा खासा बहकती लरबहा अखतकिन बिरी खेल रबहा अदान किल बिरी खेश कर बखा सिराल रुबांत रखाल रुबा खासे। मेरे खुदा परमेश्वर, जब प्रेयर रिक्वेस्ट्स मिलते हैं खुदा परमेश्वर, हम उनकी अवस्था को नहीं जानते हैं। अब वो कौन सी मनस्थिति में रहकर वो प्रेयर रिक्वेस्ट लिखते हैं हम नहीं पहचानते हैं। हम आपसे विनती करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु नासरी के नाम से हम विनती करते हैं। पवित्र आत्मा, तू सब कुछ का जवाब लेकर आता है। हमारे और परमेश्वर के बीच में तू ही मौजूद है, इसके लिए हम उन सारे प्रेयर रिक्वेस्ट के ऊपर उजियाला लाने के लिए मांगते हैं। उसके ऊपर जो ज़रूरत है पिता परमेश्वर, जो उनके जीवन में फिट एंड फिक्स होने की ज़रूरत है, वो सब कुछ को पवित्र आत्मा उनके सामने उनके जीवन में भरने की हम तुझसे विनती करते हैं। उनकी आज़ादी उनको दे, जिन बंधनों में वो पड़े हैं, दुख के, कष्ट के, बर्बादी के, जो भी बंधनों में वो पड़े हैं खुदा परमेश्वर, पवित्र आत्मा आज तू सच्चाई का आत्मा है, तेरे अलावा उनको कोई फिट एंड फिक्स नहीं कर सकता है। जहाँ पर भी वो अटक गए हैं, जहाँ पर उनके मिनिस्ट्री में, उनके सेवकाई में, जो भी परमेश्वर तेरी ओर उनका मन लगाने के लिए जो भी अड़चने हैं, सब कुछ के बीच में पवित्र आत्मा आज जो बिगड़ा हुआ है,
जहाँ पिता परमेश्वर रिपेयर की ज़रूरत है, जो डैमेजेस को पिता परमेश्वर ठीक करने की ज़रूरत है, उन सब जगहों में नासरी यीशु के नाम से विनती करते हैं, तू फिट एंड फिक्स करके दे, फिट एंड फिक्स करके दे पवित्र आत्मा। तू हमारा सहायक है, तू परमेश्वर के हृदय को जानने वाला, हमारे अंदर परमेश्वर के हृदय की बातों को लेकर आने वाला, प्रभु यीशु को तू हम पर प्रकट करने वाला, हमारे अंदर तेरे प्रकाशनों से हमें चलाने वाला पवित्र आत्मा, हमारा मददगार, हमारी सहायता करने वाला, हमें सहभागिता देने में आनंद करने वाला, हम तेरे अधीन आते हैं और हम मांगते हैं कि वो ओबीडियंस का स्तर हमारा बढ़ा दे, जिसके कारण हमेशा हम फिट और फिक्स रहेंगे परमेश्वर की योजना में। नासरी यीशु के नाम से विनती करते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता, आमेन आमेन आमेन। रिबांत आश कर बेखे तील रबाह अखस्से हिकत किन बिरी खुल रहा खस्सा, लब तील रबाह अखस्से हिकत किन बिरी खुल रहा सा, बिर्रा बाबा खस्से हिकत किन बिरी खुल रहा सा, लब तील रबाह अखस्से हिकत किन बिरी खुल रहा खस्सा। जो पिता परमेश्वर हमको हमारे कंसाइंस, हमारे विवेक बुद्धि में चोट पहुंचाना चाहते हैं, जो हमारे विवेक बुद्धि को घायल करके तेरे सम्मुख आने से हमें डराना चाहते हैं, आबा फादर गॉड, जो हमारे विवेक बुद्धि में दोष को, कलंक को रिलीज करके हमको सबके सामने बेइज्जत करना चाहते हैं, आबा फादर गॉड, हर जगह हर समय तू ही एकमात्र हमारी ओर से एडवोकेट है खुदा, हमारी वकालत करने के लिए तू एकमात्र प्रभु है यीशु मसीह। हमारे ऊपर जो भी पिता परमेश्वर एक्यूजेशंस, दोष, कंडेमनेशन पिता जो हम पर रखना चाहता है, कलंक जो हमको देकर हमें बेइज्जत रखना चाहता है, आज प्रभु यीशु हमारी फाइट तेरे हाथों में देते हैं। आबा फादर गॉड, उस शक्तियों को हरा दे जो हमारे विवेक को चोट पहुंचाने के लिए रास्ते बना के रखे हैं, जो हमको आगे ना बढ़ने के लिए रास्ते बना के रखे हैं, जो हमको कभी भी सिर ऊंचा करके चलना नहीं है, हमें दबा के और हम पर दोष का बोझ रख के चलने के लिए जो भी परमेश्वर अरेंजमेंट्स करके रखा गया है, सब कुछ डिसअरेंज कर दे खुदा परमेश्वर, सब कुछ पिता डिसअरेंज कर दे खुदा परमेश्वर। अबा फादर गॉड, हम तुझसे विनती करते हैं, सब बिगाड़ दे खुदा परमेश्वर, सब कुछ को उथल पुथल कर दे अबा फादर, हम तुझसे विनती करते हैं, नासरी यीशु के नाम से हम विनती करते हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा आकर हमारे जीवन में परमेश्वर की योजना में जो बैठता है, वह सब कुछ हमारे अंदर स्थिर कर दे, वह सब कुछ हमारे अंदर फिक्स एंड फिट कर दे। हम तुझसे विनती करते हैं पवित्र आत्मा, जो शत्रु ने बोया है और उसको वो आगे बढ़ाता जा रहा है, उसकी बढ़ोतरी ख़त्म कर हमारे जीवन में से, जो शत्रु ने लगाया है उसको तोड़ कर गिरा दे खुदा, जो शत्रु ने हम पर अपने आप को लीगल ग्राउंड बनाए रखने के लिए लेकर रखा है, वो सब कुछ पिता परमेश्वर डिसबैलेंस कर दे। आबा फादर गॉड, उससे तेरा वचन टकराने दे, उसकी जड़ नींव कमज़ोर पड़ने दे और वो जड़ के साथ उखाड़ दिया जाए, ऐसा सामर्थ्य अभिषेक हमारे अंदर कर खुदा। जो भी शत्रु बोता है, रोज़ के रोज उसके सारी कामों को, उसके सारे हथियार को तेरे सामने रख के पवित्र आत्मा की आग से मैं जला देती हूँ पिता। जब तूने उसको जलने के लिए आग दे दिया है तो वो सब कुछ भस्म हो चुका है, उसकी ताकत ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि हर घुटना टिकेगा, हर जुबान कबूल करेगी, नासरी यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु है, वो बादशाहों का बादशाह है, उसके जैसा ना कोई था और ना कोई होगा। हम धन्यवाद करते हैं पिता, हम भी अपने घुटनों को टेक कर खुदा परमेश्वर इस बात को कबूल करते हैं कि तू ही हमारा प्रभु है,
तो ही हमारा उद्धार करता है, तो ही हमारा जीवन दाता है। और परमेश्वर का इकलौता प्रिय बेटा है तू, तेरे अलावा ना कोई था और ना कोई होगा और ना कोई है। अबा फादर गॉड, हम तुझसे विनती करते हैं, तू एकमात्र प्रभु होकर हमारे अंदर बादशाहों का बादशाह, प्रभुओं का प्रभु है। हमारा जीवन तू पवित्र करने वाला परमेश्वर का इकलौता प्रिय बेटा है, जो हमारी खातिर क्रूस के ऊपर कुर्बान हो चुका है। हमारे पाप तूने उठा लिए हैं और नरक के यातनाओं में जाकर, मृत्यु के चपेट में होकर तूने हमारे लिए वो सब कुछ सह लिया जहाँ पर हमको सहना था। हमारे लिए जो रखा गया था मृत्यु का दंड आज्ञा, वो तूने अपने ऊपर लिया। तुझे कुचला गया और तू मारा गया, और तुझे कुचल कर मार कर जब कब्र में रखा गया, तुझे नरक में घसेट लिया गया, और वहाँ पर भी तुझे इसी प्रकार से छल किया गया जैसा पृथ्वी पर किया था। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह और दया, पापों की माफ़ी तुझ पर आकर ठहरी, और तुझे पवित्र आत्मा ने बाहर लाया। जो भी नियम पूरा करना था, जो व्यवस्था थी, उसे तूने पूरा किया है। और इसके लिए परमेश्वर ने उस व्यवस्था का पूरा होना स्वीकार किया, और उसके बाद तेरे कारण जब तू पवित्र आत्मा के द्वारा जिलाया गया, हम नई सृष्टि होना शुरू हो गए। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, तेरे पुनरुत्थान के आत्मा ने हम में नया जीवन लाया, नए शुरुआतों को लाया, हमारे अंदर परमेश्वर को दोबारा मेल करके दे दिया। पवित्र आत्मा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। कोई भी इंसान अपने परिवार के अंदर पीड़ित है, जकड़ों में है, जो भी प्रकार से परमेश्वर असंभव कह रहा है, जो प्रकार से पिता चिंताओं में है, कोई भी हो खुदा परमेश्वर, वहाँ पर हम तेरी मौजूदगी से सब कुछ परमेश्वर स्थिर, पवित्र, शुद्ध और संभव होता हुआ देखते हैं। पवित्र आत्मा, तेरे अलावा परमेश्वर के राज्य में चलना असंभव है। इसके लिए हम तुझसे विनती करते हैं, उन सारे परिवारों में तू हो जिसके अंदर अपने परिस्थितियों को संभालने की ताकत नहीं है, जिसके अंदर अपने परिवार का बोझ उठाने की ताकत नहीं है, जिसके अंदर परमेश्वर पिता उन सारे मसलों को रिजॉल्व करने की ताकत नहीं है, जो परमेश्वर दिन और रात प्लान करते हैं, प्लॉट करते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि वो सक्सेस क्यों नहीं होता है। अब फादर गॉड, दिन और रात परमेश्वर वो सोचों को लगाते हैं, लोगों के सलाह मशविरों को लेते हैं, लेकिन मेरे खुदा पहुँचते कहीं नहीं है। खुदा, उनके अवस्थाओं को बदलने की मैं तुझसे विनती करती हूँ। तेरा पवित्र हाथ जो परमेश्वर मार्गदर्शा करता है, दिशाओं की ओर तेरी उंगली उठाए तो उसी दिशा में खुदा परमेश्वर हमारा चलना मुमकिन हो जाए। खुदा, अब अफाद गौर तू उंगली उठा खुदा परमेश्वर इस दिशा की ओर, जहाँ पर हमको होना चाहिए, जहाँ पर हमारा करियर है, जहाँ पर हमारे परिवार के समस्या हल होना है, उस तरफ तू उंगली उठा के दिखा दे खुदा परमेश्वर, ताकि उसकी ओर ही हम चल पड़े। खुदा, वो चाहे कोई भी पासबान क्यों ना हो, वो कोई भी मिनिस्टर क्यों ना हो, वो कोई भी सेवा करने वाला सेवक क्यों ना हो, कोई भी कहीं पर भी तो चाहता है खुदा परमेश्वर, उसकी तरफ उंगली उठा खुदा, ताकि हम उस दिशा में जा सके। खुदा परमेश्वर, तेरा प्रेम अगापे है खुदा परमेश्वर, तूने किसी को तुच्छ नहीं जाना है खुदा, तो हम कौन बनते हैं खुदा कि हम किसी को तुच्छ जाने। निश्चित है खुदा परमेश्वर कि तू एक आकार में हमको ढलना चाहता है, एक परफेक्ट कैरेक्टर में तू हमें ढलना चाहता है, ये बिल्कुल निश्चित है खुदा परमेश्वर। इसके लिए तू हमें पासबानों से पासबान तू हमें बदलने नहीं देता है, ये निश्चित व्यवहार है तेरा खुदा परमेश्वर। तू सबको एक ही आंख देकर सारा सृष्टि नहीं किया है, तूने परमेश्वर सारे अंगों को बनाया है, शरीर को पिता रूप दिया है, तूने आकार दिया, और हर एक का काम अपनी अपनी जगह में ज़रूरत है खुदा परमेश्वर। इसके लिए पिता परमेश्वर कोई आंख हाथ को नहीं कह सकता है कि तू तुच्छ है, और ना कोई हाथ कह सकता है तू बेकाम है।
अबा फादर गॉड, हम तुझसे विनती करते हैं, हम कोई मिनिस्टर कोई सेवक परमेश्वर तुच्छ ना जाने खुदा, चाहे छोटा सा छोटा हो या बड़े से बड़े हो पिता, वो तेरे देह के तेरे शरीर के वो भाग है खुदा परमेश्वर, जिसकी ज़रूरत सारे सेवकों को है खुदा, सारे मिनिस्टर्स को है खुदा परमेश्वर। कोई ये नहीं कह सकता है कि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। अबा ये सबसे बड़ा झूठ है शैतान की ओर से, सबसे बड़ा धोखा है शैतान की ओर से। अबा हर एक मिनिस्टर को, हर एक सेवा करने वाले को, हर एक की इज्जत करने वाला मन दे खुदा, हर एक को पिता परमेश्वर, हर एक इंसान जो कमज़ोर अवस्था में सेवा कर रहा है उसका बल बनने के लिए सहायता कर खुदा, जो पिता अपने आत्मविश्वास खो रहा है उसको बैकिंग करने के लिए मदद कर खुदा, जो अपने अंदर से परमेश्वर पिता देख रहा है कि मेरा परिवार बिगड़ रहा है, मैं सेवा तो कर रहा हूँ लेकिन मेरा कुछ बन नहीं रहा है, उसकी सहायता करने वाले झूंड परमेश्वर तो रिलीज़ कर पिता परमेश्वर। अबा हम तुझसे विनती करते हैं, तो फिट एंड फिक्स करने वाला परमेश्वर है। अबा हम तुझसे मांगते हैं कोई सेवक परमेश्वर पिता अपनी अवस्थाओं में पड़ा ना रहे खुदा, अपनी अवस्थाओं को पिता देख देख कर हताश होता ना रहे खुदा। हम तुझसे विनती करते हैं, तू जीवितों का परमेश्वर है, तू मुर्दों का परमेश्वर नहीं है, जीवितों के अंदर से तू काम करता है खुदा। कोई भी एरिया ऑफ लाइफ रहे, चाहे वो फाइनेंशियल रहे, चाहे फिजिकल रहे, चाहे इमोशनल रहे, चाहे पिता साइकोलॉजिकली रहे, चाहे कुछ भी रहे खुदा परमेश्वर, हम हर एक को पिता तूने स्किल्स दिए हैं, टैलेंट्स दिए हैं उनके बैकिंग में होने के लिए। अब सबको तूने परमेश्वर ऐसे ऐसे भरा है कि वो हर एक सेवा करने वाले के लिए वो लाभदायी बन सकता है। अब इसके लिए हम तुझे विनती करते, कुछ लोग ऐसे है खुदा जिनको हमारी ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे है खुदा जिनको हमारी ज़रूरत है खुदा। आबा जहाँ पर हमारी ज़रूरत नहीं है हम वहीं पर उंडेलते रहते हैं और हम थक जाते हैं आबा फादर गॉड, हम थक के पीछे हट जाते हैं आबा फादर गॉड। हम तुझसे विनती करते हैं आबा फादर गॉड, हमारा जहाँ पर जो जो जगह ज़मीन में सेवा करने वाले लोग है खुदा, जहाँ भी हमारी ज़रूरत है, जहाँ भी हमको इस्तेमाल किया जाना है, जो टैलेंट जो स्किल जो परमेश्वर कुछ भी रहे खुदा परमेश्वर, हमारे अंदर के कोई गुण रहे, हमारे अंदर का कोई जोश रहे, हमारे अंदर की कोई भी छोटे से छोटी बात भी रहे, आबा हमें लाभदायी होने के लिए रिलीज़ कर दे खुदा, हमें लाभदायी रिलीज़ कर पिता, हमें लाभदायी होने के लिए रिलीज़ कर दे खुदा परमेश्वर, और हमारे लिए तो अपने लोगों को रिलीज़ कर आबा फादर गॉड, जो हमको बढ़ा सके, जो हमको ऊंचा कर सके, जो परमेश्वर चाहता है उस डेस्टिनी में हमको पहुंचा सके, तो हमारे लिए सहाय करने वाले रिलीज़ कर पिता परमेश्वर। आबा हम तुझसे विनती करते हैं, हम एक दूसरे को काटने वाले और पिता कचोटने वाले ना बने खुदा, हम एक दूसरे को पिता परमेश्वर दोष और पिता जख्मी घायल अवस्था करके पिता परमेश्वर हंसने वाले लोग मत बना हमें खुदा, हम किसी से बढ़ चढ़कर नहीं है आबा फादर गॉड, हम कोई जगह में किसी से ऊंचे नहीं है आबा फादर गॉड, हम केवल उस तक ऊंचे रहते हैं जहाँ तक अपनी दृष्टि में परमेश्वर तू महान, तू सर्वशक्तिमान है हमारे जीवन में, बस और कुछ नहीं खुदा। जहाँ पर हम पिता देखने लगते हैं नबूकदनेस्सर की तरह पिता परमेश्वर तो हमें गिरा देगा पिता, जहाँ तक पिता परमेश्वर हम अपने घमंड को पकड़ना शुरू कर लेते हैं, हम अपनी ताकत को कारण बनाकर पिता हम दिखाने लगते हैं, तो नबूकदनेस्सर की तरह हमें गिरा देता है खुदा, हमें बेइज्जत कर देता है अबा फादर गॉड। हम तुझसे विनती करते हैं क्योंकि तू हमसे प्रेम करता है, इसीलिए तेरी ताड़नाओं में भी खुदा परमेश्वर हमें आनंद है, क्योंकि हम जीवन का मुकुट खोएंगे नहीं खुदा परमेश्वर, तेरी ताड़नाएं भी हमको जीवन के मुकुट के लिए तैयार करती है अबा फादर गॉड। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद के साथ उस ताड़ना के बीच में भी परमेश्वर तेरी सेवा करते रहते हैं अबा फादर गॉड, क्योंकि तू हमें कभी निराश नहीं करता है, तू निराशा है ही नहीं तो निराश कहाँ से करेगा खुदा। अबा फादर गॉड हर एक चीज़ तुझ में भलाई है, हर एक चीज़ तुझ में परमेश्वर कृपा और परमेश्वर सामर्थ्य से भरी हुई है,
तू हमें कभी नहीं त्यागा है, कभी नहीं छोड़ा है। तूने कभी हम पर पिता कोई ऐसा उपद्रव नहीं किया कि उसके कारण पिता परमेश्वर हम हाय हाय तौबा तौबा करने लगे, कभी नहीं खुदा। तूने सब कुछ समेट कर हमारे लिए भलाइयों को उत्पन्न करने के लिए किया है, सब कुछ। तूने कहा है कि सारा जो मैं योजना करता हूँ तुम्हारी भलाई के लिए है। अब्बा फादर गॉड, हम तुझे धन्यवाद करते। तू कहता है तू मुझे पुकार ले जब तुझे असह्य हो जाता है, जब तुझे लगता है कि यह पीड़ादायक है, जब तुझे लगता है कि इसके अंदर से मैं पार नहीं हो सकता हूँ, ये मुझे खा जाएगा, निगल जाएगा, तो तूने वचन दिया है खुदा, तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा। आबा, हमें पुकारने वाला पवित्र आत्मा दिया है तूने, हम पुकार सकते हैं। पवित्र आत्मा हमारे अंदर से तुझे पुकारता है खुदा, ये प्रार्थनाएं भी तुझे पुकारने वाली प्रार्थना है खुदा। आबा, ये पवित्र आत्मा ही कर रहा है, और इसीलिए हम निश्चित है खुदा परमेश्वर, हम निश्चित है खुदा परमेश्वर कि ये तेरी मर्जी है, तू चाहता है खुदा परमेश्वर कि ऐसा हो, क्योंकि तूने कहा जब तक स्वर्ग से कुछ रिलीज नहीं हो जाता है पृथ्वी को कुछ प्राप्त नहीं होता है। अब फादर गॉड, हम जब प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर तो स्वर्ग में से रिलीज करता है और वो पृथ्वी को प्राप्त होता है। इसके लिए पिता ये विषयों का जो हमने आज प्रार्थना में उठाया है तो इस पृथ्वी को देना चाहता है, इसके लिए खुदा परमेश्वर ये प्रार्थनाओं को तूने रास्ता दे दिया। धन्यवाद पवित्र आत्मा, हम में से होकर, हमारी कमजोर अवस्थाओं से होकर तूने ये प्रार्थनाओं को पिता तक पहुँचने का रास्ता बनाया। विद थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद। सब कुछ भलाइयों में तू बदलने के लिए हमारे अंदर है, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। आई लव यू होली स्पिरिट, आई लव यू जीसस, आई लव यू होली फादर गॉड। हम तुझसे प्रेम करते हैं पवित्र आत्मा, हम तुझसे प्रेम करते हैं प्रभु यीशु मसीह, हम तुझसे प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं हर एक नए मसीही के लिए पिता परमेश्वर, जो अपने हृदय के परिवर्तन का गवाही बन रहा है, जो अपने हृदय के परिवर्तन के अंदर प्रकाशनों को प्राप्त कर रहा है और तेरी ओर उसका और भी बढ़ना, और भी ज़्यादा तेरे अगापे प्रेम को समझना और उसके अंदर ढल जाना पिता, उसके लिए तू संभव कर रहा है। विद थैंक यू फादर, हर एक न्यू बॉर्न के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं, जो परमेश्वर न्यूली बॉर्न अगेन क्रिश्चियन से, उन सब के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ये फसल को तूने अपने तरफ से लाया है खुदा, अपने जोर अपनी ताकत से लाया है, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं खुदा। हम सब पिता उनको सेलिब्रेट करते हैं, नासरी यीशु के नाम से सारी बिनती प्रार्थनाओं को धन्यवाद के बलिदान के साथ पिता परमेश्वर तुझे मांगते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। अमेन अमेन अमेन। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो यीशु। रिबांता शरब अखासे सेकतील रबह अखासे हिकत किन बिरुल रहासा रिदान अमखा सेखे रबह अखत किन बिरिकोल रहा रिदान एक बर रखा सियान तु अह पर रखा सियान तुरा तेहबा का सियाल रुबो कसे हिकत किन बिरिकोल रहा रिबैकिन अल्लाह रबा अखासे है कैतकिन बेरी खुल रहा। हमें शेड्यूल में डाल खुदा, हमें शेड्यूल में डाल, हमारे हर एक दिन के काम शेड्यूल में लगा खुदा, जो समय में जो करना है खुदा उसके अंदर पिता हमको रचना करके रख दे खुदा। तू कहता है धर्मियों के फुटस्टेप्स तो ऑर्डर करता है, धर्मियों के पथ को तो बनाता है खुदा परमेश्वर, हमारे मार्ग हमारे पथ तो बना, हम तुझसे विनती करते हैं उसके ऊपर तेरी रोशनी रख ताकि हम समझ सके कि इसी में से हमको चलना है। आबा, हमें डाउट और फियर्स से अलग रख खुदा, हमें कन्फ्यूशन से अलग रख खुदा, आने वाले समयों के अंदर और भी ज़्यादा खुदा तेरे नम्रता से, तेरे पवित्रता से हमें और आगे लेकर चल। आबा, हम तुझसे विनती करते, हर आंधी हर तूफान हर रगड़े हर झगड़े हर प्रकार के दुश्मनी हर प्रकार के पिता कड़वाहटे जो हमारे खिलाफ हथियार लगा रहे हैं वो सारे नासरी यीशु के नाम से हम अरेस्ट करते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं नासरी यीशु के नाम से। जो भी सेटिंग्स से दुष्ट आत्माओं के इन सारे कामों के लिए नासरी यीशु के नाम से उन्हें अरेस्ट करते हैं, बंदिश करते हैं नासरी यीशु के नाम से, हम उसे उखाड़ देते हैं हमारे मार्गों में से, आने वाले दिनों में से उखाड़ देते हैं, उनके
के योजनाओं को तोड़ देते हैं, मरोड़ देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और पवित्र आत्मा की शांति हम रिलीज करते हैं। हर एक जो इस प्रार्थना में शामिल है खुदा, हम सब नए मसीहों के अंदर पिता और हमारे अंदर मेरे खुदा परमेश्वर तेरी शांति को रिलीज करते हैं। आबा जो लोग पिता परमेश्वर जो शीले हैं, आबा फादर गॉड, जो लड़ाई झगड़े रगड़े में पिता परमेश्वर जो अपने अपमान को सहन नहीं कर सकते, जो पिता परमेश्वर अपने अंदर से पिता खींचते हैं और पिता परमेश्वर तड़पते हैं कि किस प्रकार से बदला ले, किस प्रकार से परमेश्वर पिता किस प्रकार से किसी को नीचा गिरा दे, आबा फादर गॉड किस प्रकार से पिता परमेश्वर किसी के जीवन में अशांति को फैला दे, आबा ऐसे टूटे हृदयों को, ऐसे जख्मी अवस्थाओं को खुदा, जिसके अंदर शांति की जरूरत है खुदा परमेश्वर, जिसके अंदर परमेश्वर तेरे अगापे प्रेम को उंडेला जाना जरूरी है खुदा, उन तक परमेश्वर पिता तू अपने पवित्र आत्मा को बढ़ाने की हम तुझसे विनती करते हैं, उनके हृदय की चंगाई कर ताकि आने वाले दिनों के अंदर खुदा वो अपने जीवन की हानि ना करे। खुदा परमेश्वर हम तुझसे विनती करते हैं, हर एक उनका जो पाप का जोश है खुदा, जो अशुद्धता का जोश है, जोर है खुदा, जो पिता परमेश्वर जो भावनाएं खुदा उनके अपने खुद के नाश का कारण बनने वाली है, वो सब कुछ के ऊपर पिता परमेश्वर आज तेरी पाबंदी लगा दे खुदा, आज तेरा पहरा लगा दे, वो अपने अंदर से उछल ना पाए खुदा, वो अपने अंदर से पिता परमेश्वर इन लोगों को नाश करने ना पाए खुदा परमेश्वर, और पिता परमेश्वर उनको सही समय में उनके अंदर से खत्म कर दे खुदा। हम तुझसे विनती करते हैं वो अपने जीवन के खुद के नाश करने वाले ऐसे भावनाओं से अलग होकर जीना शुरू करे खुदा। हम तुझसे विनती करते हैं उनके जीवन बहुमूल्य है खुदा, उनके जीवन की रखवाली कर खुदा परमेश्वर, उनके लिए तेरे स्वर्गदूतों की पहरेदारी दे खुदा, उनको पिता ऐसे गलत जोश में उखाड़ कर पिता परमेश्वर लेकर चलने वाले हर एक अशुद्ध काम को पिता तो आड़े जा और उनके अधर माफ कर खुदा, उनके जीवन के अंदर का ये जोश पिता जो दुष्टता का है उसका पिता परमेश्वर अंत होने के लिए पिता हम तुझसे विनती करते हैं, उनको उस दिशा में और बढ़ने के लिए जो भी पिता कारण है उस कारण के ऊपर तो आक्रमण कर और उनको तोड़कर खत्म कर दे खुदा, वो जोश उनके जीवन की हानि करने के लिए पिता काम करने ना पाए। नासरी यीशु के नाम से तेरी शांति, तेरी दया, तेरा अगापे प्रेम उनके अंदर बरकरार रहे खुदा, तेरे हर एक जख्म को पिता परमेश्वर ठीक करने वाला गिलियाद का बाम उनके अंदर मौजूद रहे खुदा। आबा उनकी सेवा करने वाले सेवक दे खुदा परमेश्वर, उनकी सहायता करने वाले मार्गदर्शा, सही दिशाओं को दिखाने वाले पिता, सच्चे मसीही उनके फ्रेंड्स बना खुदा, उनके रिश्तेदार बना खुदा, उनके जीवन को पिता हानि नहीं पहुँचाएंगे ऐसा परमेश्वर लोगों का पिता उनके लिए कॉन्टैक्ट्स बना खुदा परमेश्वर, उनके पिता हर एक जगहों में ऐसी पहचान बढ़ा खुदा कि जहां पर खुदा परमेश्वर तेरी ओर से लोग उनको पसंद करने लगे और उनके जीवन को पिता वो सहायता करने के लिए दौड़ कर आने लगे। हर घुटना टिका दे खुदा उनके लिए प्रार्थना करने वाले, आबा फादर गॉड हम तुझसे विनती करते हैं, आबा फादर गॉड उनके शत्रुओं के हाथों में उनको मत दे खुदा, उनके सारे परमेश्वर दुष्टता जो अभी भी उनके जीवनों में है खुदा, जो अभी भी उससे अलग नहीं है खुदा परमेश्वर, वो दुष्टता को अंत कर खुदा परमेश्वर, वो अपने जीवन की हानि ना करने पाए उस दुष्टता से। आबा फादर गॉड हम तुझसे विनती करते हैं यावे रबांत आश्कर बेखे सिरा लुबा खसे हिकिन बिर खुल रहा खसे हिकिन बिर खुल रखास्ता लहबे तील उनके शरीर में, उनके प्राण में, उनके आत्मा में पवित्र आत्मा चलने फिरने लगे, उनके सहायता के लिए परमेश्वर के स्वर्गदूत उनको विजिट करने लगे, उनके जीवन को बदलने वाली हर एक परमेश्वर पिता अवस्थाएं उनके लाइफ में रिलीज हो जाए, हर एक उनको बदल देने वाला माहौल उनको मिलना शुरू हो जाए, उनको कुचलने वाले माहौल हर तरफ से अलग हो जाए, उनको निराश करने वाले माहौल उनके जीवनों में से दूर कर दिए जाए, उनको परिपक्व करने वाला माहौल उनके जीवन में रिलीज हो जाए, उनको पवित्रता में, धार्मिकता में, प्रभु यीशु में परिपक्व करने वाला अवस्था उनके लिए रिलीज हो जाए, नासरी यीशु के नाम से रिलीज हो जाए। ब्रेखती लरबहा अखा सहकत किन बिर खोल रहा रदेत किन बिर खोल रहा अदान किल बिर खोल रहा रदीन अहकती लरबहा अखा सहकत किन बिर खोल रखांत रखाल रुबा खस
से कि हब हुल्ल रहा खसे हिकत किन बिरखोल रहा खसा कि हब हल्ला रहा अदित किन बिरखोल रहा दात किन बिरखोल रहा रदेत किल बिरखोल रहा अश्कर बखे सिराल रुबा अखात किन बिरखोल रहा रजेज किल बिरखोल रहा अदान खिल बिरखोल रहा रहकत तील रुबा अदेन खिल बिरखोल रहा कर बखा सिराल रुबारिकांदरा लहबे कतील रुबा अखसे हिकत किन बिरखोल रहा अदान खेर बरकोश कर बकासा लहबे कतील रुबा अखसे हिकत किन बिरखोल रहा सा बरे बबे कसे हिकत किन बिरखोल सियाल रुबांदर कासा लहबे के शरब अखसी कतील रुबा अखसे हिकत किन बिरखोल रहा कासा तेरे वरदानों से हमें भर खुदा तेरे दान वरदान जो परमेश्वर हमारे आज के समय से लेकर आगे आने वाले समयों में होना चाहिए उसमें हमें परमेश्वर तो प्रबल कर उसमें हमें तू ताकतवर कर उसमें हमें तू निपुण कर कुशल कौशल्य से भर दे। नासरी यीशु के नाम से विनती करते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमेन आमेन आमेन। रिबांत आश्कर बखेसी आकता लरबह कसे इकत किन बिरखो लरह कसा लहबे कती लरबह अखसे इकत किन बिरखोश कर बखा सिराल रुबांत रखाल रुबा कसे कि हो बहुल लरह अदीन किल बिरखो लरह अदान किल बिरखो लरह रदेत किन बिरखो लरह अश्कर बखे सिराल रुबांत रखाल रुबा कसे कि हो बहुल तान अहतीन इल्लाह कसे इकत किन बिरखो लरह कसा। हमारे घर के चारों ओर से हर एक छत जमीन दीवारों को नासरी यीशु के लहू से हम धो देते हैं। नासरी यीशु के लहू से हमारे घर के अंदर कोई भी चीज़ें हो, चाहे हमने देखी हो या नहीं देखी हो, जो भी पड़े हुए धूल मिट्टी के कण भी हो, कोई कूड़ा कचरा भी हो, नासरी यीशु के लहू से धोकर हम शुद्ध कर देते हैं, पवित्र कर देते हैं। नासरी यीशु के लहू से खुदा परमेश्वर हमारे हर एक स्टोर हाउसेस को, हर एक पिता हवा मंडल, पानी मंडल, आग मंडल और पिता भूमंडल, हर एक मंडल में नासरी यीशु का लहू हम रिलीज करते हैं। हमारे लिए पिता परमेश्वर सब कुछ भलाई में बदलने वाला सारा मंडल रहे। अबा फादर गॉड, यूनिवर्स के अंदर कोई पशु प्राणी पक्षी पेड़ पौधे जंगल नदी नाले नहर कोई पहाड़ कोई चट्टान कोई आंधी तूफान कोई बारिश कोई प्रकार के बिजलियाँ कोई भी प्रकार के परमेश्वर अघटित घटनाओं को लेकर आने वाला ऐसा उपद्रवी कुछ भी खुदा हमारे खिलाफ ना खड़ा रहे। नासरी यीशु का जोर हमें बढ़ा दे खुदा और हमें परमेश्वर उन सब के ऊपर प्रबल रख खुदा। अब फादर गॉड हम तुझसे विनती करते हैं हर एक चीज हर एक बातें नासरी यीशु के सामने घुटना टेक दे, हमारे विरोध खड़े ना रहे। नासरी यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ हर एक चीज हर एक जीव जंतु प्राणी पशु पक्षी नासरी यीशु के सामने घुटने टेक और कबूल कर ले। नासरी यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु है, वो बादशाहों का बादशाह है, उसके अंदर कोई दुष्ट आत्मा नहीं रुक सकता है। कोई भी जगह में कहीं से भी जो भी प्रभु को स्वीकार कर लिया उसके अंदर परमेश्वर के आत्मा के अलावा और कोई बल नहीं है। अब फादर गॉड हम तुझे धन्यवाद करते हैं, हमारे मन को नया करने वाला सामर्थ्य अभिषेक कर खुदा, हमारे मन को पिता परमेश्वर दुचित्ता होने से बचाने वाला अभिषेक कर खुदा, हमारे ऊपर पिता परमेश्वर तेरा आत्मा मंडराता रहे, हम पर वो छाया रहे, हमारे अंदर से वो काम करे, हमारे ऊपर से हमारे बाहर से चारों ओर से वो काम करे, हमारे घर के अंदर का माहौल पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरा रहे खुदा, हमारी आवाजों में हमारे सोचों में पिता परमेश्वर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग कोई प्रकार का पिता परमेश्वर कमेंट चढ़ा हुआ आवाज ना रहे। अबा फादर गॉड हम तुझसे विनती करते हैं हमारे अंदर की मनोवृत्ति को खराब करने वाले हर एक चीज जो हमारी आंखों को दिखाया जाता है, जो हमारी आंखों को पिता परमेश्वर पकड़ने के लिए रखा गया है, अबा जिसके कारण पिता हम डिग्रेड होते जाएंगे, जिसके कारण पिता परमेश्वर हम मसीह चरित्र से गिरते जाएंगे, अबा वो सारी शक्तियों के काम उपद्रवों के काम नासरी यीशु के नाम से
उखाड़ देते हैं हम, और पवित्र आत्मा की आग से भस्म कर देते हैं किसी भी वस्तु में, किसी भी चीज में। खुदा हमारी आंखों को दिखने के लिए जो भी लगाया जाए उसमें कुछ भी ताकत ना रहे खुदा, सब कुछ हमारे भलाई में बदल जाए खुदा। हम और ज्यादा पावरफुल बने, और ज्यादा सामर्थी बने, और परमेश्वर पिता उनके पार हो जाए, हम इन सारी शक्तियों के पार हो जाए, हम उन शक्तियों के ऊपर चढ़कर हमारे जीवन के हर मकसद को हम पूरा करके लौटे। अबा फादर गॉड, हम आपसे विनती करते हैं वो शक्तियाँ हमें रोकने ना पाए, जो हमें रोकने के लिए लगाए जाते हैं वो हमें रोकने ना पाए खुदा परमेश्वर। जो शक्तियाँ खुदा परमेश्वर तेरे चरित्र से हमको गिरा देना चाहते हैं वो उसका सफल होने ना पाए खुदा परमेश्वर। जो पिता हमें ऊंचा उठते हुए दिखा कर खुदा अचानक से तोड़ मरोड़ कर गिरा देना चाहते हैं वो ऊंचाई परमेश्वर पिता कोई छूने ना पाए खुदा परमेश्वर। हम पिता तेरे बल से है जिसे कोई नीचे उतार नहीं सकता है। अब फादर गॉड, जो भी पिता परमेश्वर हमें पिता बहका देता है, जो कोई पिता फुसला देता है, जो झूठ के पीछे हमको लेकर जाता है, जो पिता धोखे के पीछे हमें लेकर जाता है, वो सारे मार्ग मेरे यीशु नासरी के नाम से हम पिता पहचानने लगे और उनसे हम अलग होकर कट कर पिता अपने रास्ते अलग करने शुरू कर दे। अब हमें और ज़्यादा लंबा उनके साथ उनके पीछे जाने मत दे खुदा। नासरी यीशु के नाम से हमें पलट कर पिता सच्चाई को धारण करने के लिए, ग्रहण करने के लिए, अपने गले से सच्चाई को लगाने के लिए पिता हमें सहायता कर खुदा परमेश्वर। हम तुझसे विनती करते हैं झूठ की ताकत हमें और ज़्यादा भटकाने मत दे खुदा, झूठ के अवसर हमें और ज़्यादा लेने मत दे खुदा परमेश्वर, और ज़्यादा हमें झूठ में रुकने मत दे खुदा परमेश्वर। हमारे फाउंडेशन कच्चा करने वाले, हमें परिपक्वता से दोबारा अपरिपक्व बनाने वाले अवस्थाओं को पिता हम में लौटने मत दे खुदा। हमारे जीवन का सफ़र आगे महिमा से महिमा की ओर बढ़ता जाए खुदा, सामर्थ्य से और ज़्यादा सामर्थ्य की ओर बढ़ता जाए खुदा। हम घटने वाले सिर्फ पिता हमारी खुदी में घटते जाए, और तेरे पवित्रता में, तेरे अनुग्रह में हम हमेशा ऊंचे बढ़ते जाए। नासरी यीशु के नाम से हम विनती करते हैं खुदा परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर हमारी बुराइयों को पिता परमेश्वर हमको पिता याद दिलाना चाहते हैं, जो हमारी बुराइयों को पिता परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर बनाए रखना चाहते हैं, जो हमारे बुराइयों को पिता परमेश्वर हमारे अंदर से खत्म होने नहीं देना चाहते हैं। अब जिसकी जड़ खुदा परमेश्वर वो बारंबार पिता नरिश करते हैं फ्लरिश होने के लिए, अब फादर गॉड आज से पिता वो हर चीज, हर बात खुदा परमेश्वर जो बुराइयां है, जो हमारी कमजोर अवस्था है, जिसके अंदर से पिता अभी तक हम उभरे नहीं है, जिसके अंदर से पिता परमेश्वर अभी तक हमको कोई रिजॉल्व होने वाला रास्ता नहीं मिला है, वो सब एरिया ऑफ लाइफ, वो हर एक वीक पॉइंट्स हमारे परमेश्वर हम तेरे अधीन लाकर रख देते हैं। हम उसको नहीं संवार सकते हैं, हम उसका कुछ नहीं कर सकते हैं, बल्कि शत्रु उसका फायदा उठा लेता है। इसके लिए पिता वो अवस्थाओं को हम तेरे अधीन लाकर रख देते हैं, केवल तेरा आत्मा ही उसे फिट एंड फिक्स कर सकता है। हमारी पिता परमेश्वर उसमें कोई भी पिता युक्तियाँ चलती नहीं है, इसके लिए हम तेरे अधीन आ जाते हैं। उन सारे कमज़ोर अवस्थाओं को हम तेरे अधीन लाकर रख देते हैं, तेरा फिट एंड फिक्स करने वाला रास्ता हमें चला दे। नासरी यीशु के नाम से विनती करते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू फादर गॉड, धन्यवाद करते हैं आप फादर गॉड। सारा महिमा, आदर, गौरव सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम तुझे देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं खुदा परमेश्वर तेरे अलावा हमारी प्रार्थना का जवाब और कोई नहीं ला सकता है खुदा। कोई है ही नहीं तो कौन लाएगा खुदा, जब कोई है ही नहीं तो आशा ही नहीं है कि कोई प्रार्थना का जवाब लेकर आएगा। अब केवल एक ही है जो है परमेश्वर तेरा आत्मा, जो हमारे अंदर निवास कर रहा है, जो हमारे अंदर से ये प्रार्थनाओं को पूरा करके इसको लेकर जाता है, तेरी ओर उसको लेकर आता है, और वो प्रार्थनाओं का सुगंध तू लेता है, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता वो धूप बलिदान उसका परमेश्वर तू उत्तर हमें भेजता है। अब फादर हम तुझे धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें संतों की प्रार्थना ऐसा कहा है, अब फादर गॉड तूने हमें संतों में गिनती किया है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारी प्रार्थना
तूने याजकों की प्रार्थना में शामिल किया है। थैंक यू आबा, विद थैंक यू हमें तूने परमेश्वर पोजीशंस देकर हमारे प्रार्थनाओं के अधिकार और सामर्थ को हमें दिखाया। हम तुझे धन्यवाद करते हैं पिता, विद थैंक यू आबा। हमें उस स्थान में तूने हमें नियुक्त किया है जहाँ से तू हमारी प्रार्थनाओं को कभी भी इनकार नहीं करेगा। थैंक यू आबा, धन्यवाद करते हैं। विल लव यू आबा, वी थैंक यू एंड विल लव यू जीसस, विद थैंक यू एंड विल लव यू होली स्पिरिट, विल लव यू आबा, विल लव यू, विद थैंक यू आबा, विद थैंक यू जीसस, विद थैंक यू होली स्पिरिट। पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरी ताकत से, हर एक समय हम तुझसे प्रेम करते हैं पवित्र आत्मा। तेरी सहभागिता से हम आनंदित होते हैं खुदा, तेरी सहभागिता हम में जीवित है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। विल लव यू होली स्पिरिट, एंड वी रियली लव यू, एंड वी रियली लव यू जीसस, वी रियली लव यू, विद थैंक यू लॉर्ड, विद थैंक यू आबा, विल लव यू आबा, धन्यवाद करते हैं आबा। सारी प्रार्थनाओं को नासरी यीशु के नाम से हम मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू आबा, थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तू बढ़े और हम घटे पिता, तू बढ़े और हम घटे प्रभु यीशु, तू बढ़े और हम घटे प्रभु यीशु, तू बढ़े और हम घटे प्रभु यीशु। थैंक यू फादर, धन्यवाद हो यीशु।